से यहाँ पे आपने बताया, इसके लिए ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो कि फाई से लिखा हुआ है, फाई इक्वल टू बी डॉट ए, तो बी डॉट ए ये भी लिख सकते हो, या फिर बी ए कॉस थीटा आपने बताया, तो बी ए कॉस थीटा, ठीक है, ये भी हो गया। चलिए, वेरी गुड। अब इसमें से दूसरा कौन सा आपको आता है? सर इंड्यूस वाले का एनबीए कुछ था क्या? एनबीए साइन ईएमएफ जो ओमेगा है, दिस क्या? वन इज इक्वल टू, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आप देख रहे हो, सेकंड वाला इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये ई इक्वल टू होता है माइनस एन डी फाई बाय डी टी, यस याद आ गया होगा। लेंस लॉ। जी हाँ, लेंज मतलब फैराडे और लेंज का कंबाइंड लॉ है यहाँ पे, ठीक है। तो एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ में आप जब भी क्वेश्चन आए तो आप हमेशा ध्यान रखना एन नंबर ऑफ टर्न्स फाई टू माइनस फाई वन अपॉन में टी, ओके। देखिए जिस तरह से अभी तक हमने देखा है इतना सारा, तो इंड्यूस्ड करेंट बिल्कुल ही आसान है, सिंपल से इंड्यूस्ड करेंट के बारे में पूछा जा रहा है, कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है। आई इक्वल टू जैसे वी बाय आर होता है ओम्स लॉ में, यहाँ पे ई बाय आर होगा, आर रेजिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है, तो आई इक्वल टू ई बाय आर। फिर यस नेक्स्ट आप देखो, द ई एम एफ इंड्यूस्ड इन अ कंडक्टर ऑफ लेंथ एल मूविंग विथ वेलोसिटी वी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड बी, यहाँ पे आपके लिए इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए एक अलग फॉर्मूला, जो मुझे लगता है मैंने हम लोगों ने डिस्कस भी किया था इंड्यूस्ड ईएमएफ के इस फॉर्मूले को, तो यहाँ पे इसके लिए आपको फॉर्मूला बताना है। ये जो फॉर्मूला है आपको याद आ जाएगा अगर मैं लिखूंगा, तो 1/2 बी जो मैग्नेटिक फील्ड के लिए है, बी एल स्क्वायर ओमेगा, और याद दिलाने के लिए मैं बताऊं आपको कि एक इस तरह का एक सर्कल था बना हुआ जिसमें एक रॉड आपने लिया था, ठीक है, आपने एक सिंपल सा रॉड लिया था और उस रॉड को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, ये रॉड अंदर की तरफ, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ये इस तरह से मूव कर रहा था ऐसा, और इसके अंदर जो यस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस से हमने दिखाया था, तो ये था इसका। तो देखो यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कंडक्टर ऑफ लेंथ एल, इसलिए यहाँ पे एल का इस्तेमाल किया गया है, तो चूंकि यहाँ पे स्मॉल एल है तो आप यहाँ पे स्मॉल एल लिख सकते हो, और फॉर्मूला इंड्यूस्ड ईएमएफ का, जब मैग्नेट, जब ये रॉड आपका इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा इस तरह से अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा कह सकते हो, तो ऐसे केस में ये वाला फॉर्मूला हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा होता है। क्वेश्चन नंबर 5 तक तो हमने कर लिया है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 6। इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए रोटेटिंग क्वाइल, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए रोटेटिंग क्वाइल के लिए आप डायरेक्ट यहाँ पे लगा सकते हो एक फॉर्मूला ही है जिसमें आप बोल सकते हो ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, जहां की ई नॉट जो हुआ करता था, मैंने याद रखने के लिए आपको बोला था नवाब, एन ए डब्ल्यू यस बी, डब्ल्यू नहीं यहाँ पे इनफैक्ट डब्ल्यू याद रखने के लिए एन ए ओमेगा बी मैंने ये फॉर्मूला दिया था जो कि मैक्सिमम ईएमएफ को बतलाता था, है ना। यस सर अगले पार्ट पे आते हैं, मुझे लगता है ये आप बता सकते हो, क्वेश्चन नंबर ये जो 7 है, सेल्फ इंडक्शन फाई, तो सेल्फ सर इंडक्शन, माइनस एल वेरी गुड, डी आई अपॉन डी टी वेरी गुड, माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, बिल्कुल सही है। और यहां पे सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ भी है, तो मैं चाहूंगा कि यहाँ पे थोड़ा सा, अब मैं आपको यहाँ पे एक बार एक इसको इरेज कर रहा हूं जो मैंने लिखा था, ये फ्लक्स की बात हो रही थी, तो यहाँ पे आप जब सेल्फ इंडक्शन फ्लक्स के लिए बोला जाए तो आप सीधा यहाँ पे आप लिख सकते हो एल इंटू आई। अब आप देखो आपको सही लग रहा होगा कि ये सही है, फाई इक्वल टू एल आई सेल्फ इंडक्शन के लिए, और जो आपने अभी जो बताया वहां पे वो
वो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए फॉर्मूला है, वो जो अभी आपने बताया, माइनस एल डी आई बाई डी टी, एम आई यस राइट? यस ओके, चलिए उसी तरह से म्यूचुअल इंडक्शन के लिए, फॉर म्यूचुअल इंडक्शन फाई, फाई के लिए क्या करोगे आप, क्या लिखा जाए? तो यहां पे जिस तरह सो से, एम आई वेरी गुड, फाई इक्वल टू एम इंटू आई, वेरी गुड। और म्यूचुअल इंडक्शन के लिए यहाँ पे इंड्यूस्ड, म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ है, तो इसी तरह से यहाँ पे फिर इसके लिए भी फॉर्मूला आ जाएगा आपके लिए, वो आएगा आपका माइनस एम एंड डी आई बाई डी टी। यस तो ये भी फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हो, इलेवन, नंबर इलेवन में देख रहे हो, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलिनोइड, एल के लिए फॉर्मूला चाहिए। एल के लिए सो कोएफिशिएंट के लिए ना, हाँ, यहां पे एल के लिए चाहिए वो एन नंबर ऑफ टर्न्स के फॉर्म में, जो कि कुछ इस तरह का आपको मिलने वाला है, म्यू नॉट, यहां पे कैपिटल एन का स्क्वायर इनटू ए यस सर, बाय ए एन, अगर कैपिटल एन के फॉर्म में चाहिए। आपको ये भी पता है, हालांकि मैं यहाँ पे, मुझे पता है कि आप जानते हो, स्मॉल एन इक्वल टू होता है कैपिटल एन बाय एल, है ना? तो यस यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू को पुट कर दी जाए, तो यहाँ पे अब आपके पास नया फॉर्मूला जो होने वाला है, म्यू नॉट स्मॉल एन स्क्वायर एरिया ए लेंथ एल, ये नया फॉर्मूला होने वाला है जब आप इसको यहाँ पे इस एन की जगह पे अप्लाई करोगे, कैपिटल एन की जगह पे। उसी तरह से अगला देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 12 में, म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ लॉन्ग सोलेनोइड। अब यहाँ पे लॉन्ग यू सोलेनोइड की नॉट बात हो रही है, मतलब एम से रिप्रेजेंट किया जाए, म्यू नॉट एन वन एन टू अपॉन में एल और इनटू में एरिया जो है वो ए। और फिर से अगर वही फॉर्मूला को, जैसे कि यहाँ पे आपने देखा ये वाला फॉर्मूला आपने यूज किया था, एन जो है कि स्मॉल एन इक्वल टू कैपिटल एन बाय एल, तो कैपिटल एन इक्वल टू स्मॉल एन इनटू एल हो जाएगा। तो उसको अगर आप इस्तेमाल करोगे यहाँ पे, तो म्यू नॉट स्मॉल एन वन स्मॉल एन टू ए इंटू एल, ए एरिया इंटू लेंथ एल। तो इस तरह से, क्योंकि यहाँ पे आप जो इस्तेमाल कर रहे हो उसके बारे में मैं बता दूं, यहाँ पे आपने एन वन जो है, जो स्मॉल एन वन लिया है वो कैपिटल एन वन बाय एल के इक्वल है, और स्मॉल एन टू जो लिया है वो कैपिटल एन टू बाय एल के इक्वल है, जहाँ एन वन और एन टू नंबर ऑफ टर्न्स हैं और एल जो है वो लेंथ को बतलाता है, इस जो भी सोलिनॉइड आपने लिया है म्यूचुअल इंडक्शन के लिए उसके लेंथ को बताता है, क्योंकि दोनों की लेंथ यहाँ पे सेम रहेगी। क्लियर है?